चैप्टर 11 के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, उसके लिए हम इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम गैसेस के जरिए हीट का ट्रांसफर देख रहे हैं। गैस अगर हमारा मीडियम हो तो वो हीट को कैसे ट्रांसफर करता है। एक गैस है अगर हमारे पास तो उसकी इंटरनल एनर्जी उसकी टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी के बराबर होती है। मॉलिक्यूलर एनर्जी एक तरह की मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कि सम होता है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का। हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मॉडल रिज्यूम किया है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे और पोटेंशियल एनर्जी एक फोर्स फील्ड में होने की वजह से होती है, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर ट्रांसलेशनल हो सकती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने की वजह से होती है, रोटेशनल हो सकती है अगर कोई मॉलिक्यूल स्पिन कर रहा हो, या वाइब्रेशनल हो सकती है अगर कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा हो अपने मीन के पॉइंट के अराउंड। तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तब होती है जब हमारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो। हमने सिंपल पॉइंट मासेस अज्यूम किए हैं इसलिए हमारे केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही सिग्निफिकेंट है और जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। हम देखना चाहते हैं कि क्या हम हीट की मदद से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हम एक सिचुएशन बनाते हैं। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक गैस है, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन आगे पीछे आराम से मूव कर सकता है, पिस्टन को हमने फिक्स नहीं किया हुआ। हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्रेशर कॉन्स्टेंट रहे। हम इस गैस के ऊपर हीट इंजेक्ट करते हैं, इसके नीचे फर्श करें, हमने आग लगाई, इसके अंदर हमने हीट इंजेक्ट की, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इसका प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये पिस्टन को ऊपर पुश करेगा, पिस्टन खुद ब खुद एक सर्टन हाइट डेल्टा वाई ऊपर चला गया। अब पिस्टन की ये नई हाइट है क्योंकि हमने इस सिस्टम के अंदर कुछ हीट इंजेक्ट की। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यकीनन किसी फोर्स की वजह से हो रही होगी और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास वर्क हुआ है। हम देखना चाहते हैं वर्क किसके बराबर है। फोर्स तो हमारे पास नहीं है कि वो क्या फोर्स थी और वो कैसे एक्ट करी थी, मगर हमारे पास प्रेशर है और हमारे पास एरिया है, टोटल वॉल्यूम सॉरी एरिया इस सिलेंडर का। तो हमें पता है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जो है वो प्रेशर होता है, तो फोर्स की जगह हम प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। अब एरिया को मैंने डेल्टा वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, जो चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास हुआ ये मेरे पास आ जाएगा। एरिया था मेरे पास ये वाला और इसको मैंने मल्टीप्लाई, थ्री डायमेंशनल में मेरे पास एरिया था, मल्टीप्लाई कर दिया हाइट के साथ तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्रेशर के साथ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वर्क आ रहा है। अब अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं जिसके वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर हो और एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम हो, तो इसका एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा। प्रेशर मैंने कॉन्स्टेंट रखा है तो मेरे पास एक ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ्स के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक ग्राफ की स्लोप होती है और एक ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है। स्लोप के लिए मैं वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड करती हूँ और एरिया के लिए मैं वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम आएगा और प्रेशर इंटू वॉल्यूम मैंने डिराइव किया है कि मुझे वर्क दे रहा है। इसका मतलब है पी वी कर्व जो होते हैं, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम कर्व, उनका एरिया अंडर द कर्व हमें देता है कि कितना वर्क परफॉर्म हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि एनर्जी कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है। और अभी हम इसकी कौन सी फॉर्म्स देखेंगे। हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है। अगर हमारे पास एक सिस्टम है उसके अंदर हम हीट डालते हैं उस सिस्टम के अंदर, तो वो हीट उस सिस्टम में जाके क्या बन जाती है, किस तरीके से वो उसके अंदर स्टोर होती है। तो वो उसके अंदर दो तरीके से स्टोर होती है। एक तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को ज़्यादा कर देती है, उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में एक चेंज आएगा। अगर सिस्टम की पहले इंटरनल एनर्जी U1 थी तो अब नई उसकी एनर्जी U2 हो गई, तो ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा जो हमने उसके अंदर हीट इंजेक्ट की। और अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ तो फिर अगर वो सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म करे तो वो जो एनर्जी थी हीट के फॉर्म में हमने इंजेक्ट की थी वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी एनर्जी एक फॉर्म से दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, एक उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा करेगी और एक वो अगर सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म करे तो वो भी
उस एनर्जी की वजह से करेगा जो हमने उसके अंदर इंजेक्ट की. ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल, आइसो मतलब वन, थर्मल टेम्परेचर. आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है. ये हम बॉयल्स लॉ में पढ़ चुके हैं. जो सिचुएशन बनती है पीवी इज इक्वल टू 2/3 n0 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी. जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कॉन्स्टेंट होती है. तो ये पूरा फैक्टर हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाता है और पी प्रोपोर्शनल होता है 1/v के. अगर हम इसका पी वी कर्व देखें तो पहले हम एक स्टेट में होते हैं जिसमें हमारा प्रेशर ज़्यादा होता है पी वन और वॉल्यूम कम होता है वी वन. फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के नतीजे में हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है और प्रेशर कम हो जाता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है. इस तरह की पी वन वी वन, पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. अगर हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चेंज इन हीट, हीट जब एक सिस्टम में ट्रांसफर होती है या उससे निकलती है तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, प्लस अगर वो सिस्टम कोई वर्क करे तो उसके तौर पर वो जाहिर होती है. तो चूंकि हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो ये चीज़ हमारी जीरो हो जाएगी और आइसोथर्मल प्रोसेस में सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है. एडियाबैटिक प्रोसेस एक इतना तेज प्रोसेस होता है, इतना रैपिड प्रोसेस होता है कि हीट को ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलता, तो हमारा चेंज इन हीट जीरो होता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक चेंज इन हीट होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो सकता है या फिर वर्क डन, मगर मेरा चेंज इन हीट जीरो है तो मेरा सारे का सारा वर्क डन नजर आएगा एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इसकी हम मिसाल देखते हैं. मेरे पास एक सिलेंडर है और मैं इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक सर्टन एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है. मैं एकदम से इसका पिस्टन ऊपर मूव कर देती हूँ मगर मैं कोई भी एनर्जी हीट एब्जॉर्ब नहीं करी. इवन दो अगर इसके नीचे मैंने हीट ऑन भी की हुई है, मैंने इतनी तेजी से उस पिस्टन को ऊपर किया है कि इस सिस्टम के पास, इस कंटेनर के पास हीट एब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं था. तो फिर वर्क तो परफॉर्म हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई, एनर्जी कहाँ से आएगी उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए? वो इस गैस की इंटरनल एनर्जी कंज्यूम होगी, डेल्टा यू. इस गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए ये वर्क परफॉर्म होगा तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी जिसके नतीजे में इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा. एडियाबैटिक प्रोसेसेस के पीवी कर्व जो हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस के पीवी कर्व से मिलते जुलते होते हैं मगर ज़्यादा स्टीप होते हैं. ये अगर आइसोथर्मल का कर्व है तो एडियाबैटिक का कर्व ऐसा होता है. द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ, हमने देखा था ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज होती हैं जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, मगर पोटेंशियल एनर्जी इग्नोर कर दी जाती है. तो हम ऑप्शंस देखते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एंड केमिकल एनर्जीज. ये बहुत जेनेरिक है, इसकी कोई सेंस नहीं बनती. हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड पोटेंशियल. तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारी एनर्जीज दी गई हैं? वो है ऑप्शन डी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है और फिर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. मगर ये तीन एनर्जीज निग्लिजिबल होती हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की तकरीबन बराबर होती है इंटरनल एनर्जी, मगर बाकी का भी इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है ऑल, या आप कह सकते हैं टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी. तो जो हमारा ऑप्शन नहीं है जिसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन है, तो अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल होता तो हम कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ सिग्निफिकेंट चीज़ रखी है और इनसिग्निफिकेंट चीज़ नहीं लिखी, मगर उन्होंने एक इनसिग्निफिकेंट लिखी है तो फिर उनको बाकी भी लिखनी चाहिए थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है. रोटेशनल एंड द पोटेंशियल, रोटेशनल तो इनसिग्निफिकेंट होती है और पोटेंशियल भी, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत है. What is the factor upon which change in internal energy of an ideal gas depends? Internal energy U से represent होती है और हमें पता है ये translational kinetic energy के बराबर होती है ideal gas के केस में. हमें पास कौन कौन सी equation है? PV is equal to 2/3 n times kinetic energy और PV बराबर होता है nRT के, जो के बराबर होता है 2/3 n times kinetic energy के. और इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हीट जब एक सिस्टम में आती है तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है प्लस वो वर्क करती है. तो इन इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? क्या वो चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? इस इक्वेशन, ये इक्वेशन मुझे कह रही है कि वो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम एंड प्रेशर, क्योंकि ये इसमें कॉन्स्टेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट वेरिएबल है और पीछे इसके पी और वी दो हैं, तो मैं सिर्फ वॉल्यूम नहीं सिलेक्ट कर सकती, ये गलत होगा कहना. चेंज इन टेम्परेचर, दूसरी वाली इक्वेशन के मुताबिक ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें ये सब कॉन्स्टेंट हैं, ये कॉन्स्टेंट हैं,
काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करा है, ये सब कॉन्स्टेंट है, तो इसके मुताबिक टेम्परेचर पर डिपेंड करा है, इसलिए इसके मुताबिक मैं कह सकती हूँ कि वो चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, फिर वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी होना चाहिए। चौथा ऑप्शन, पाथ फॉलोड टू चेंज इंटरनल एनर्जी, इसके मुताबिक अगर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क में कन्वर्ट हो जाती है हीट, तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर हमारी पाथ डिफरेंट हो तो वर्क डिफरेंट होता है, तो इस जिस केस में हमारी हीट जीरो होती है तो फिर वर्क बराबर होता है माइनस ऑफ इंटरनल एनर्जी। इस केस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए ये जेनेरिक स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते, इसलिए ऑप्शन बी हमारा ठीक है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हमने ये देखना है कि रूट मीन स्क्वायर लिखा हुआ है या मीन स्क्वायर लिखा हुआ है, रूट नहीं लिखा हुआ तो आपके पास वी स्क्वायर जो होती है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, जो कि आपको पता है बराबर होती है वी वन एक्स स्क्वायर वी टू एक्स नहीं होता बल्कि वी वन वी टू अप टिल वी एन डिवाइडेड बाई एन, ये होती है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। टेम्परेचर और मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस में आती है, काइनेटिक एनर्जी में आती है, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप है कॉन्स्टेंट टाइम्स वन बाय टू एम वी स्क्वायर, चूंकि मास और वन बाई टू को भी हम कॉन्स्टेंट कंसिडर कर सकते हैं, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्क्वायर टेम्परेचर तो स्क्वायर नहीं हो रहा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो ऑलरेडी स्क्वायर्ड है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो फिर क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू फिर वी हो जाएगा। फिर उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा वेलोसिटी, उन्होंने पूछा है मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी, इसलिए ये वाली चीज गलत है, हमें स्क्वायर्ड चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। इनवर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। At finite temperature, according to kinetic theory, all molecules of gas have same speed. There is no difference between average kinetic energy of molecules of different masses, average kinetic energy of molecules of lesser mass is lower than that of lighter mass, average kinetic energy of molecules, blah. Average kinetic energy क्या होती है? Average kinetic energy हमारे पास होती है 1 by 2 mass into mean square velocity. Mean square velocity की वजह से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है। मासेस सबके इतने छोटे होते हैं कि हम उनको तकरीबन बराबर ले लेते हैं, लेकिन स्पीड्स जो हैं, हमने क्या किया था, वी वन एक्स, एक्स को हटा दें, हम सब कोऑर्डिनेट्स के लिए कहते हैं, वी वन एक्स स्क्वायर किया था, वी टू स्क्वायर किया था, टिल वी एन स्क्वायर किया था, फिर उसको एन से डिवाइड किया था, हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई थी। एवरेज स्पीड, अगर आप किसी चीज़ की एवरेज लें, पूरी क्लास में सारे बच्चों की हाइट्स की एवरेज लें, तो एक नंबर आएगा, वो पूरी क्लास के लिए सेम होगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट मासेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये इसका करेक्ट जवाब है। ऑल मॉलिक्यूल्स की सेम स्पीड नहीं होती, वरना हम V1, V2 को अलग अलग ना ऐड कर रहे होते। सी ऑप्शन में क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेसर मास इज लोअर देन दैट ऑफ लाइटर मास, इसका तो एक तो सेंस नहीं बन रही, लोअर और लेसर में कोई फर्क नहीं होता। दूसरे में जिसमें उन्होंने सही लिखा हुआ है कि लेसर मास इज लोअर देन दैट ऑफ हायर मास, ये तब होता है कि एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी 1 बाय 2 एम वी स्क्वायर होती है, एम और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर मास ज्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होती है, मगर ये ट्रिक है, एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरेज जो है वो सबके लिए सेम होती है। वट विल बी द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नॉर्मल वर्जन हम लिखते हैं कि हम जितनी हीट इनपुट करते हैं, चेंज इन हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क होता है। तो एक ऐसा सिस्टम हुज वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम बाय प्रेशर इज शोन, यानी अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, ये बॉयल्स लॉ के केस में होता है जब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं होगी, हीट सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्यू जो है वो वर्क के बराबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन वन। क्यू इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं होगा क्योंकि उसका प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना, उनका रिलेशनशिप तभी इस तरह का होता है, बॉयल्स लॉ के मुताबिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसलिए इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक नहीं होगा वर्क के साथ, और ये तो वैसे ही टेक्निकली गलत है, क्यू यू ओवर डब्ल्यू नहीं होता, ऑप्शन ए हमारा ठीक है। वेयर अ गैस इज इन इक्विलिब्रियम, इट्स मॉलिक्यूल्स हैव अ सर्टेन कांस्टेंट एवरेज एनर्जी, ऑल हैव द सेम टेम्परेचर, हैव सेम इंडिविजुअल एंड एवरेज एनर्जी, मे कोलाइड विद वन अनदर और नॉट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई सिस्टम है जिसमें कोई चीज़ इनपुट हो रही है, कोई चीज़ आउटपुट हो रही है, इनपुट और आउटपुट रेट सेम है, इस तरह के उस सिस्टम के अंदर जो कुछ है वो चेंज नहीं होता, इनफ्लक्स
आउटफ्लक्स के बराबर हो जाता है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो कुछ होता है वो चेंज नहीं होता, हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि अगर आपके पास पानी हो एक टब में और उसके साथ एक सुराख हो और उतना ही पानी ऊपर से आप ऊपर से डाल रहे हो और उतना ही पानी लीक हो रहा हो, तो इस पानी का लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में हम कह सकते हैं कि ये है। जब गैस इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है और क्या उन सबका एक टेम्परेचर होता है, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हाई टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स आ रहे हो और लो टेम्परेचर वाले जा रहे हो, इसलिए हम यकीन से नहीं कह सकते कि सबका सेम टेम्परेचर है। सेम इंडिविजुअल एंड एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी इंडिविजुअल एनर्जी से मुख्तलिफ भी हो सकती है, जैसा कि उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। मे कोलाइड विद वन अनदर और नॉट, इक्विलिब्रियम का कोलिजन से कोई ताल्लुक नहीं, कोलिजन होती हैं तो भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। हैव अ सर्टन कॉन्स्टेंट एवरेज एनर्जी, उनकी एवरेज एनर्जी सेम होगी क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसकी वजह से वो कॉन्स्टेंट होगा और एवरेज एनर्जी सबकी एक होती है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है।